अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान एमनेस्टी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के खिलाफ बेंगलुरु में देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। दरअसल यूनिवर्सिटी के एक सेमिनार में कथित तौर पर भारत विरोधी नारे और कश्मीर के आज़ादी वाले नारे लगने का आरोप लगा है। पुलिस ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। शिकायत में शनिवार को ब्रोकन फैमिलीज नाम से रखे गए सेमिनार में आयोजकों और भाग लेने वालों पर देशद्रोह के नारे लगाने के आरोप लगाए गए हैं। बेंगलुरु पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त ने बताया है कि शिकायत के आधार पर धारा 124 और 154 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने आयोजकों या शामिल लोगों में से किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है, लेकिन जांच पूरी करने के बाद ये कार्रवाई की जाएगी। वहीं कार्यकारी निदेशक अकबर पटेल ने कहा है कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए कार्यक्रमों को अब भारत विरोधी और अपराधी करार दिया जा रहा है। पुलिस भी आयोजन स्थल पर आमंत्रित थी। हमारे खिलाफ शिकायत दर्ज करना और देशद्रोह का मामला दर्ज कराना इस बात को दर्शाता है कि भारत में मौलिक अधिकारों और आज़ादी में विश्वास में कमी है। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना सभी का कर्तव्य है, लेकिन एमनेस्टी से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है वो वाकई में अगर सच्ची है तो सवाल ये उठता है कि अभिव्यक्ति के नाम पर देश विरोधी नारेबाजी का यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा। देखते रहिए जीबी लाइव।